एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाडी कार एक्सेसरीज। मेरा नाम है गिन्नी और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज क्रेटा 2020 की एक और नई वीडियो में। इवन मैं कहूँ कि ब्लैक कलर की क्रेटा 2020 की नई वीडियो में, जो ब्लैक कलर की मैंने आपको कल भी बताया था कि वाइट से ज़्यादा ब्लैक आ रही है। ब्लैक सबका फेवरेट कलर है और इसीलिए ब्लैक मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो उस गाड़ी की वीडियो में, आज इस गाड़ी की वीडियो में आपको जो सामान दिखाऊंगा, नॉट एक्सेसरीज मैं आपको हर वीडियो में पिछले कुछ टाइम से दिखा ही रहा हूँ। आज मैं दिखाऊंगा जो वर्क हमने इसके अंदर करा है। हमने इसके ऑडियो सिस्टम से रिलेटेड, ई मॉडल डीजल का बेसिक है, स्टीरियो स्पीकर लग के नहीं आते हैं। कस्टमर की मैं बात करूँ तो इतने शौकीनी कस्टमर, उन्होंने लगभग 3 लाख रुपीज़ इस गाड़ी पे खर्च कर दिया है और अभी भी उनका मूड और भी 50-60 हज़ार खर्चने का है। जो ऑडियो सिस्टम मैंने लगाया इस गाड़ी के अंदर वो तकरीबन 1 लाख रुपए का है। 1 लाख रुपीज़ ही स्पेंट ऑन हिज कार। ऑडियो सिस्टम बात करूं, अगर मेरा पर्सनल व्यूज़ में अगर आपको बताऊं, SX टॉप मॉडल के मॉडल में जिसमें बोस का म्यूजिक सिस्टम लग कर आता है, अगर आप एक गाना उसमें सुनो और एक गाना इसमें सुनो तो शायद आप भी यही वाली बात बोलोगे कि हाँ यार, ये वाली गाड़ी का ऑडियो ज़्यादा बेटर है और मैं ये पैसे इस पर खर्चना चाहता हूँ। क्योंकि जो काम इस गाड़ी के अंदर हमने करा है वो करें, हमने चारों डोर्स पहले डैम्प करें डॉक्टर आर्टेक्स की 2mm शीट के साथ, इनर एंड आउटर 2 लेयर डैम्पिंग। उसके बाद हमने इसके अंदर लगाए हैं चारों डोर्स के अंदर इन्फिनिटी कापा सीरीज के चारों कंपोनेंट। उसको ड्राइव करा है हमने रॉकफोर्ड के प्राइम सीरीज के हाई आउटपुट वाले एम्पलीफायर के साथ, जिसकी RMS है 300 वॉट पर RMS, और एक साथ में लगाया है अंडरसीट वूफर JVC का। तो और उसके जो हेड यूनिट लगाया है हमने, वो लगाया है हमने पाइनियर का टैबलेट जो आजकल बहुत नोन्ड है। तो अगर आप अपनी गाड़ी के लिए स्टीरियो सर्च कर रहे हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा वो वाला टैबलेट। बहुत बढ़िया सेटअप था, मेरा इमेजिनेशन अभी भी शायद उसी गाड़ी में है, तभी मैं रुक रुक के इसलिए बोल रहा हूँ। मैं मतलब अभी भी फील कर पा रहा हूँ, गाड़ी को गए हुए 15 मिनट हो गए और मैं अभी भी शायद इस बात को फील कर पा रहा हूँ कि यार वो वाकई मतलब वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स जो मैंने अभी तक करे हैं, जो मैंने अभी देखे हैं। कोई वूफर नहीं, कोई कुछ नहीं, इतना सिंपल, इतना डिसेंट, इतनी अच्छी अंदर की आवाज़। मैंने छोटा सा क्लिप उसके लिए जो गाड़ी में लगने का बनाया था, आप लोग सुनो उसको, शायद उस चीज़ को कैमरा ये जस्टिफाई ना कर सके, बट एयरफोन्स लगाओगे तो शायद आपको उसका थोड़ा थोड़ा फील आ जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा इस सेटअप के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा वायरिंग करने का हमारा तरीका। सारी वायरिंग होती है प्रॉपर कपलर्स के साथ, सारी वायरिंग अंदर से हुई हुई है। आप के पास अगर पहले एम्पलीफायर आपकी गाड़ी में लगेगा तो बहुत लोगों की कंप्लेंट आती है कि यार हिसिंग साउंड आ रही है या फिर एम्पलीफायर की वायरिंग पैरों में आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हो अपनी गाड़ी में अच्छा स्टीरियो लगाने के लिए, अच्छा सेटअप साउंड का चाहते हो, आप बेझिझक हमारे पास आओ। आपको ये वीडियो पूरी देखने के बाद एक आइडिया लग जाएगा कि हम लोग काम कैसे करते हैं और काम किस लेवल का करते हैं, तो शायद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके अपनी गाड़ी में स्टीरियो और स्पीकर अच्छा लगवाने के लिए। तकरीबन जो इस ऑडियो सिस्टम का पूरा खर्चा था वो 1 लाख रुपए के आसपास था। द गाय स्पेंट 1 लाख रुपीज ऑन हिज म्यूजिक सिस्टम और आउटपुट वाज वेरी नाइस, ही वाज वेरी हैप्पी। आफ्टर बहुत सारे कस्टमर होते हैं, हम कहते हैं एक आधा कमेंट दे दो, जो यूट्यूब पे हमारे लोग देख रहे हैं वो थोड़ा समझ पाएंगे, बट बहुत सारे लोग नहीं देना चाहते, वो कहते हैं यार मैं नहीं वीडियो में आना चाहता। तो मैंने गाड़ी की वीडियो पूरी शूट करी है, आप लोग करो वीडियो को एंजॉय। इनकेस अगर कोई इंक्वायरी होती है इससे रिलेटेड, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। मेरा नाम गिन्नी है, लाडी कार एक्सेसरीज मेरी शॉप का नाम, करमपुरा दिल्ली में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू अ ब्लैक क्रेटा, जिसके अंदर बहुत अच्छा ऑडियो सेटअप होने वाला है। चारों डैम्पिंग भी होगी, कंपोनेंट्स लगेंगे, अंडर सीट वूफर, एम्पलीफायर, वेरी गुड एम्पलीफायर। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ तो इसके अंदर लगी है ओरिजिनल ग्रिल, ये ई मॉडल क्रेटा का है जिसके अंदर हमने टॉप मॉडल वाली ग्रिल लगाई है SX वाली, जिसको कम्प्लीटली इसकी लुक को फ्रंट से इस ग्रिल को लगने के बाद ये चेंज कर दिया है इसकी लुक को, और पुरानी वाली ग्रिल उतर के ये वाली ग्रिल लगती है। और साथ में एक और गाड़ी खड़ी है जिसकी मैं आपको ग्रिल दिखाऊंगा, जो हमने सिर्फ इसके ऊपर पेस्ट की है। सो हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, आप जो चाहें लगवा सकते हैं। बाकी ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अपनी गाड़ी के लिए बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम तलाश कर रहे हैं कि वो क्या ऐसा लगाएं कि उनकी गाड़ी की साउंड टॉप मॉडल से कंपेयर कर सकें, तो अगर आप ऐसा कोई ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को बंद मत कीजिएगा। काम अभी स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे काम होगा मैं आपको वायरिंग्स, जो प्रोडक्ट्स लगाए हैं उनकी फिटमेंट, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ में एक छोटा सा क्लिप भी देखने को मिलेगा जिसमें आपको साउंड टेस्टिंग मिलेगी, और ये आप सब सॉरी ये ग्रिल भी आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हमने लगाई, ये पेस्ट करने वाली ग्रिल है, वो रिप्लेसमेंट थी ये प्लेस वाली।
सो यहाँ पे हमारा सारा काम स्टार्ट हो चुका है और अभी जो है सब काम अंडर प्रोसेस है। सबसे पहले मैं आपको काम की क्वालिटी चेक कराना चाहता हूँ कि किस तरीके से डैम्पिंग की जाती है। डैम्पिंग सबसे पहले हमने लगाई है इसकी फर्स्ट लेयर, जो इसके अंदर आप देख सकते हो डॉक्टर आर्टेक्स की अ वेरी गुड डैम्पिंग शीट। 2 mm इसकी विड्थ होती है और 150 डिग्री सेल्सियस पे, इट इज़ अ रशियन ब्रांड, 150 डिग्री सेल्सियस पे इसको टेस्ट किया जाता है कि ये पिघलेगी नहीं है। और ये लगने के बाद कैसी लगती है ये आपको अभी देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो एक लेयर है वो अंदर लग चुकी है, अंदर वाली लेयर लगने के बाद आपका डोर जो है वो 3 times स्ट्रांग हो जाता है, जो एक नॉर्मल डोर के अकॉर्डिंगली या जो स्टॉक डोर के अकॉर्डिंगली कह सकता हूँ अगर आप कंपेयर करोगे तो। डैम्पिंग इज़ वेरी मस्ट इफ़ यू आर सेटिंग अ गुड म्यूजिक सिस्टम, और तो उसके लिए डैम्पिंग बहुत ज़रूरी है आपकी गाड़ी में होना। तो ये कुछ इस तरीके से लगती है, ये इसकी विड्थ है 2 mm जो मैं आपको कहता हूँ। ये कोई चाइनीज़ या कोई हल्की डैम्पिंग शीट नहीं है जो पिघल जाएगी या जो ख़राब करेगी। डैम्पिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर म्यूजिक सिस्टम, फॉर योर कार ऑल्सो। सो इस तरीके से कुछ काम होता है। ये फ्रंट वाला डोर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कम्प्लीट हो चुका है, इसमें आपको यहाँ देखने को मिल रहा है फुल ऑन डैम्पिंग। ये इसका क्रॉस ओवर है इन्फिनिटी कापा सीरीज़ का, जो डिवाइड करता है पावर मिड बास स्पीकर के लिए और ट्रेबल ट्यूटर के लिए। ये आप देख रहे हो इसकी कोन इतनी ज़बरदस्त कापा सीरीज़ के स्पीकर की, और मैं आपको दिखाता हूँ ट्यूटर इसका। ये ट्यूटर यहाँ पे इसकी हमने प्लेसमेंट की है, नो वायर कटिंग एट ऑल, बिल्कुल कपलर से कपलर हुआ हुआ है। और जो इवन स्पीकर वायर्स हम यूज़ करते हैं वो आपके सामने हैं, कोई हल्की नहीं है, बहुत मतलब हैवी स्पीकर वायर्स हम यूज़ करते हैं। सो आज जो हम ये न्यू क्रेटा रेडी कर रहे हैं, इसके अंदर लगा रहे हैं टैब पाइनियर का, और ये समझ लो दिस इज समथिंग मैजिकल आई एम टॉकिंग अबाउट। स्टीरियो की डिस्प्ले मेरे हाथ में है टैब की, और गाड़ी में सिस्टम सेट हो रहा है। इस गाड़ी के अंदर जो सेटअप है वो भी आपको पूरी वीडियो में देखने को मिलेगा। अभी मैं जस्ट एक छोटा सा एक आपको हिंट दे रहा हूँ कि हम कैसे काम कर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं एक बार पास ले जाके। सो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है, और आपको ये लिए मैं वीडियो बना सकूँ इस करके सिर्फ मैंने जो भी डोर जिसके बंद नहीं करे हैं तो और आपको दिखा सकूँ। ये सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं इन्फिनिटी का ये क्रॉसओवर कापा सीरीज़ का हार्मन गार्डन के स्पीकर्स हैं ये। और अगर मैं नज़र मरवाना चाहता हूँ तो सबसे पहले इसकी वायरिंग्स पर नज़र मरवाना चाहता हूँ कि हमने इसके लिए वायर्स कौन सी यूज़ की हुई हैं। ये जो हैं प्योर कॉपर की वायरिंग्स हैं, और आप इसको अगर आप देख रहे हो और अगर आप जज कर सकते हो तो आपको खुद ही दिख रहा होगा कि ये कोई लोकल वायरिंग नहीं है, क्योंकि अगर हम इतना अच्छा म्यूजिक सिस्टम कर रहे हैं सेटअप तो वायर्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कई लोग जो हैं अच्छे हैवी स्पीकर्स लगा देते हैं और लेकिन वायर्स पे अगर वो नहीं अपना जोर डालते, वायर्स अच्छी नहीं यूज़ करते तो आपको एंड में वो रिजल्ट नहीं निकल जाता है। वायर्स जो हैं समझ लो कि पिलर्स होते हैं आपकी, अगर आप म्यूजिक सिस्टम अपनी गाड़ी में लगा रहे हैं तो अच्छी वायर्स लगी होनी चाहिए। ये आपको यहाँ पे जो हमने एम्पलीफायर यूज़ किया है वो रॉकफोर्ड का प्राइम सीरीज़ का 300 watt RMS का एम्पलीफायर है जो आपके सामने दिख रहा है। और वायरिंग करने का सबसे अच्छा आप तरीका देख सकते हो कि सारी वायरिंग अंडरग्राउंड हुई हुई है आपके पैरों में, इवन एक एक सीट हमने अगली खोल के लगाई है, आपके पैरों में कहीं पर भी कोई वायर नज़र नहीं आएगी, कहीं कोई तार खींचने का कोई डर नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं लगाने के लिए तो आप बेझिझक लगा सकते हैं। स्टीरियो हमने इसके अंदर लगाया पाइनियर का टैबलेट 8 inch का, जिसकी फिटिंग आपके सामने है, तो बहुत अच्छा लग रहा है लगा हुआ। फीचर्स इसके बहुत अच्छे हैं, ये स्क्रीन डिटैचेबल हो जाती है, आप इसको उतार के अपने घर पर ले जा सकते हैं और एज अ टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये JVC का अंडरसीट वूफर है जो बिल्कुल एक्जैक्टली बहुत कम्पैक्ट साइज़ का और बिल्कुल एक्जैक्टली आपकी सीट के नीचे आ जाएगा, और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। जब ये बजेगा तो ये पूरा जो लेवल जो हमें बेस का चाहिए होता है गाड़ी के अंदर, एक वूफर वाला लेवल नहीं बट जो एक अच्छा बेस का हमें लेवल चाहिए होता है, भारी आवाज़ चाहिए होती है, वो हमें ये पूरी देता है, उससे ज़्यादा ही देता है। और सबसे बड़ी बात ये जो अंडरसीट वूफर है विद कंट्रोलर के साथ आता है, इसके साथ आपको रिमोट कंट्रोल भी मिलेगा सो दैट आप सॉन्ग वाइज अपने मूड वाइज इसकी बेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो इसकी पावर को। और अगर मैं वायरिंग्स की बात करूं तो हमने इसके अंदर RC लीड यूज़ की है स्टिंगर कंपनी की, और जो वायरिंग किट यूज़ की है, जो पावर केबल्स यूज़ किए हैं वो हमने किए हैं सर्विन वेगा ब्रांड की, जो मैं जैसे पहले भी कहा कि वायरिंग एक पिलर्स होते हैं तो वायरिंग में हम कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, वो आपने इस वीडियो में देख लिया कि वायरिंग किस तरीके से हुई हुई है।